कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, नेता पिंटू सेंगर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े नेता पिंटू सेंगर पर यह फायरिंग हुई है। गंभीर हालत में उन्हें हॉस्पिटल भेजा गया। हॉस्पिटल ले जाते वक्त रास्ते में उनकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे एसएसपी। चुनकेरी थाना क्षेत्र के जेके कॉलोनी का यह पूरा मामला है। बड़ी खबर आपको बता दें, गंभीर हालत में उनको हॉस्पिटल भेजा गया। हॉस्पिटल ले जाते वक्त रास्ते में मौत हो गई। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे एसएसपी। चुनकेरी थाना क्षेत्र के जेके कॉलोनी का यह पूरा मामला है। आपको बता दें, कानपुर से इस वक्त यह बड़ी खबर सामने आ रही है। तो वही हमारे सहयोगी नीरज अवस्थी हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर विस्तृत जानकारी के साथ। नीरज, आपसे जानना चाहेंगे किस वजह से नेता जो है पिंटू सेंगर, उनको एक गोली मारी गई है। देखिए अभिषेक, आपको बता दूं, चकेरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ये ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। जो जानकारी मिल पा रही है उस हिसाब से चार अज्ञात लोग मोटरसाइकिलों से आए थे। उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की है बसपा नेता के ऊपर। उनका ड्राइवर भी साथ में था, उसकी जान बच गई, लेकिन इनको काफी गोलियां लगी, जिसके बाद इनको रिजेंसी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इनको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। जानकारी जो मिल पा रही है अभी अपुष्ट है वो, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि जमीन के विवाद के चलते इनकी हत्या की गई, क्योंकि कई तरीके से प्रॉपर्टी के विवाद में इनका नाम चल रहा था। इसके पहले भी ये जानकारी है, 2017 में भी इनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें ये बच गए थे। इन तमाम चीजों को लेकर पुलिस जो है लगातार जांच कर रही है। तमाम जो अधिकारी हैं मौके पे हैं, खुद जो नए एसएसपी हैं वो मौके पे हैं, तमाम चीजों को लेकर जांच जारी है। अभिषेक जी, कानपुर से तो ये बड़ी खबर सामने आई, जहां पर नेता पिंटू सेंगर को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, उन तमाम जानकारियों के लिए।